रास्ता गुजरा हुआ ख्याल हो, भूली हुई गुनास्ता गुजरा हुआ ख्याल हो, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई गुनास्ता गुजरा हुआ ख्याल हो। तुमने मुझे भुला दिया, नजरों से यूं गिरा दिया, जैसे कभी मिले न थे, एक राह पर चले न थे, हम जाओ मेरे आंसुओं उनसे न कुछ मिला करो, वो हुस्न की मिसाल है मैं इश्क का सवाल हूँ, जिसको न वो समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई उदास का गुजरा हुआ ख्याल हूँ। करना ही था अगर सितम, देना था उम्र भर कर्म, रहते वफा किया था क्यों, चाहत से दिल दिया था क्यों, तुमने निगाह फेर ली। ये कुछ भी नहीं लगा हुआ अब तो, यानी प्रोग्राम सुने बगैर ही आज मैं खाली, मैंने पहली दफा इस तरह से कॉल काट दी है, लेकिन वो जरूरी हो गया था। चंद मैसेजेस और उसके बाद हम सलाम। सर मैं जारिक चौहान, और आमिर भाई आज मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि वो नहीं है, अगर वहीद मुराद साहब होते तो मैं दावे से कह सकता हूं कि वो अमिताभ बच्चन को का मुकाबला कर सकते थे। मैं असल में हमारे जो एक मसला ये होता है कि कंटेम्प्रेरीज जो होते हैं उनमें मुकाबला नहीं होता, हर शख्स अपनी जगह एक फनकार होता है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि एक शख्स ही सब कुछ वो कर रहा होता है, बल्कि सभी। एक फिल्म जब बनती है तो उसमें बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व होती है, बहुत बड़ी टीम, और वो सभी अपना अपना हिस्सा अदा करते हैं। जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था कि अरमान फिल्म में अगमाला का बड़ा रोल है, उसकी कामयाबी में उसमें जेबा का बहुत रोल है, इसी तरह वहीद मुराद, इस तरह एक फिल्म शबाना मुझे याद आ रही है, शबाना फिल्म में बाबरा शरीफ का बहुत अहम रोल है, उसमें शाहिद का बड़ा किरदार है, नन्ने का भी है, तो इसी तरह वहीद मुराद साहब, तो सारी टीम होती है। जिस तरह हमने अभी जिक्र किया कि मसरूर अनवर साहब थे, सुहेल राणा थे, और फिर परवेज साहब थे, तो वहीद मुराद साहब थे, तो वो एक मिलकर एक बड़ी टीम बन जाती है। एक गाना ही देख लें, मेहदी हसन साहब की आवाज में एक गाना ही मशहूर हो गया जी, जिसका वही साहब ने खुद कहा कि वो अकेले ना जाना गाना इतना मशहूर हो गया था, और उन्होंने भी माला की आवाज में उसे पसंद किया, जो आखिर में पिक्चराइज हुआ वहीद मुराद साहब पे और जेबा पे, आखिरी वो सीन है जब वो लड़वाती हैं, बिसाखियां उन्होंने पकड़ी हुई है और वो ढूंढ रही है, और पीछे वो जा रहा है सुसाइड करने, और वो पीछे से आवाज देती है कि अकेले ना जाना, क्या यार वो जबरदस्त कमाल। तो ये हो गया। और महरीन अनवर कहती है कि शो इज गुड एंड प्ले मोर एंड मोर सॉन्ग्स ऑफ मे वहीद मुराद, एंड प्लीज प्ले मुझे तुम नजर से की रात हो रहे हो, ये मैंने चला दिया। एनी बट कहती है कि नारू ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे अपनी सी आर सुंबल याद आ जाती है, वो भी छप्पड़ फाड़ के ही बोलती है। फजल अहसब कहते हैं नो नॉट एट ऑल, जेबा रिफ्यूज टू वर्क विद हिम एंड शबनम रिफ्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अब तो हम इस कहानी से आगे निकल गए, वो उन्होंने काम करने से इनकार किया था, यानी वही सब। आप मुझे आखिर में थोड़ा सा जरूर बताइए वो कब्र वाला मामला जो था। शुक्रिया। एक्चुअली हुआ ऐसा कि वहीद मुराद साहब की कब्र बहुत खस्ता हालत में थी, काफी अखबारात में आता रहा, देखते रहे और सुनते रहे पढ़ते रहे,
बहरहाल इस हवाले से मैं कराची भी गया, सलमा भाभी और मैं और मेरे साथ थे मेरे कुलीग दोस्तों में इश्तियाक बेग साहब, सुलेमान खान साहब और फरीद अशरफ गाजी साहब, दीगर लोग, गुलाम फरीद कायद साहब। तो हम लोग गए तो हमने इसी इशू पे बात की कि भाभी ऐसे ऐसे कब्र का हाल बहुत बुरा है तो आप प्लीज बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि आप लोग वहां रहते हैं तो बनवा दें, अगर आप बना सकते हैं तो मेरा जाना जाना तो नहीं होता। उस वक्त आदल भी अमेरिका में था। बहरहाल मैंने वो कब्र बनवाई और देखे अजीब, जब ये अखबार में खबर छपती थी तो यही एक जहन में रहता था। तो मैं सोया हुआ था तो मुझे एक तखयल कह लें मिला जुला आंसर था कि ऐसे जैसे मैं अब सामीन से भी बात कर रहा हूं तो शायद वो यकीन ना करे, तो वहीद मुराद ने मुझे उठाया कि ना बेड से और मेरे कहने लगे यार कम अज कम तुम तो बनवा दो। तो आप यकीन करें मैं उस वक्त 4-5 बजे का टाइम था सुबह का, मैं नमाज पढ़ी और मैं फौरी कब्रिस्तान चला गया। वहां से मैंने मुझसे मिस्त्री और मजदूर वगैरह लिया और वो काम शुरू करवाया। फिर मैंने संगमरमर से कराया। एक अजीब वो मैंने जो चीज देखी कि अल्लाह ताला ने उसे क्यों नवाजा। तो जब हम नीचे गए ना वो नीचे उसकी गहराई में तो देखा तो उसका वही साहब का कफन आप देखें कि बिल्कुल मैला नहीं हुआ, वैसे ही शफाफ था। और मुझे ये देख के बड़ा हैरत और खुशी हुई इस बात की कि अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में आला मुकाम दिया होगा इंशाल्लाह। तो फिर हमने वो कंप्लीट किया और उस और वहां पे यूनस मलक साहब हदायतकार है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, गुलाम यद्दीन साहब और रशीद साजिद साहब भी दुआ खैर के लिए आए थे उस जब कब्र मुकम्मल हो गई उस वक्त। ये गालबन 98 की बात है। तो ये मुझे सआदत नसीब हुई उन वहीद मुराद के मद्दाओं में। तो मैं इससे अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ, इसमें मेरा कोई लालच नहीं था। अल्लाह ताला ने ये दीगर लाखों उसके चाहने वाले हैं और ये सआदत अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखी। बहुत मैं इसके मतलब सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि वहीद साहब ने जो कर किया है जो कर रहे हैं, अगर वहीद मुराद जो है वो बहुत बड़ा स्टार था, नो डाउट वो था, तो इतना बड़ा प्रस्ताव उनको जो नसीब हुआ है ये भी शायद किसी को नसीब हो। तो मैं इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने ये जो आसन कदम किया है अल्लाह ताला इन्हें भी इनकी जजा देगा। तो ये उनके लिए भी खुशकिस्मती है कि उनको ऐसा प्रस्ताव मिला। जी हाँ बिल्कुल। समीन हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम के करीब हैं लेकिन जी चाह रहा है कि इसको जारी रखा जाए, लेकिन अब यकीनन वक्त की एक पाबंदी है। तो एक मुख्तसर सा एक हम जो सुनते हैं क्लिप है मेरे पास जो वहीद मुराद साहब के, ये भी आखिरी दिनों का एक इंटरव्यू है, अनवर मकसूद साहब ने लिया था। तो इसमें से कुछ हिस्सा सुनते हैं वहीद मुराद साहब के इस इंटरव्यू का। आपके बोलने से पहले एक बात मैं कहूंगा, एक सवाल आपको करने की इजाजत नहीं है, वो ये है कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन है? क्योंकि इससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं और ये आप सवाल नहीं कहेंगे, इसके अलावा जो चाहे पूछ लीजिए। तो ऐसा करते हैं, पहला सवाल आपसे कि ये बताएं आपको कौन कौन हीरोइन ना पसंदीदा, मतलब ना पसंद है? ये पहलवानों वाला दाव लगाया है आपने। चलो बाद में बताएं प्रोग्राम, यूं समझ लीजिए कि सारी पसंद है। ये बताएं पहली फिल्म आपकी थी औलाद? जी दामन। उसके बाद दामन, दोनों फिल्में जबरदस्त कामयाब। खैर फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया, शोहरत दी, नाम दिया, इज्जत दी, पैसा दिया, बस ये है कि एमए का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो कब करेंगे? एमए की जरूरत नहीं है, बल्कि जिसने पहली जमात भी ना पास की हो ना वो उसके चांसेस फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा हैं आजकल। बड़ी बात है ये कहना। अच्छा ये बताएं एमए का इस्तेमाल अब कब करेंगे आप इंडस्ट्री? हो सकता है करीब, क्योंकि 20-22 साल जो फिल्म इंडस्ट्री की जिंदगी होती है, सुबह 8-9 बजे जाना, कभी 2-3 बजे रात को आना, बेवक्त खाना सोना, तो इससे मैं अब कुछ हद तक उप पा गया हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसी कोई नौकरी या बिजनेस या कुछ ऐसा हो कि जो जिस तरह लोग बाकायदा जिंदगी गुजारते हैं 9 से शाम 5-6 बजे तक,
उसके बाद फिर अपने बीवी बच्चों को वक्त देते हैं वो कर। ये सुबह के 8 बजे कौन से होते हैं, क्योंकि एक सुबह के 8 बजे होते हैं जो हम लोग उठते हैं, सुबह आप लोग सोते रहते हैं? बिल्कुल, अगर मौका मिले तो सोते ही रहते हैं, क्योंकि नींद पूरी करते हैं कई कई दिनों की महीनों की, क्योंकि आपसे तो हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है, तो सुबह 8 बजे तो। और ये सिल्वर जुबली जो है ना, मेरी फिल्म इंडस्ट्री में सिल्वर जुबली नहीं है, लेकिन आपसे दोस्ती की सिल्वर जुबली जरूर है। अच्छा ये बताएं, आपने उर्दू फिल्में बनाते बनाते एकदम एक पंजाबी फिल्म की तरफ गए, मस्ताना माही। जी, जबरदस्त फिल्म थी, बड़ी कामयाब रही, तो उसकी क्या वजह थी और उसके बाद पंजाबी फिल्में और क्यों नहीं बनाई आपने? वजह जी ये थी कि कई लोगों ने मुझे, अब मैं पंजाबी बोल सकता हूं, मैं हूं पंजाबी, तो कई लोगों ने मुझे कहा कि पंजाबी फिल्म में काम करो, तो प्रोड्यूसर होने की हैसियत से, मैं प्रोड्यूसर भी था बल्कि इब्तदा प्रोड्यूसर की हैसियत से की थी, मैंने सोचा कि अगर ऐसी बात है जी, तो फिर पहली पंजाबी फिल्म मैं खुद ही क्यों ना बनाऊं, ताकि अपनी अपने मतलब की भी हो। और मस्ताना माही एक बड़ी अनोखी फिल्म थी पंजाबी के हिसाब से, क्योंकि उसमें कोई जालिम जागीरदार नहीं था, कोई गंडा था, कोई कुल्हाड़ा, कोई भी, उसके अलावा भी ये था कि अगर वो फिल्म किसी भी जबान में बने और किसी भी मुल्क में बने ना, तो वो कहानी अपनी जगह अच्छी कहानी। अच्छा, लोगों का ख्याल था कि आपने पंजाबी फिल्म इसलिए बनाई है कि इस बनाने में पैसा बड़ा कम लगता है और फिल्म अच्छी बन जाती है, हिट हो जाती है। जी नहीं, ये बात नहीं है, पैसा किस चीज में कम लगता है, मतलब सेट में, क्योंकि 2 मिनट में टूट जाता है वो मारधाड़ों से, लगाना तो पड़ता है ना। हाँ, तो वो तो अब वो 2 मिनट में टूट जाए तो उसको फिर अगर कुछ रह गया है काम तो दोबारा लगाना पड़ता है। आपकी फिल्म में तो मारधाड़ थी नहीं बिल्कुल, उसकी वजह कामयाबी की वो गाना तो नहीं था सैयोनी मेरा माही पे बड़ी मेहनत की मैंने, लाहौर में म्यूजिक डायरेक्टर और सॉन्ग राइटर बहुत बिजी थे, मैं उन्हें खास तौर पे कराची लाया,